Hello followers, welcome again to HTML complete course on viral affairs and again we will learn several texts on HTML. दोस्तों आप लोगों का इस्तकबाल है viral affair में जहाँ पर हम लोग HTML complete course के बारे में बात कर रहे हैं. And to start this video, I want to let you know who is new in this channel, don't forget to subscribe viral affairs and of course like and share and press the bell icon that you will inform when I upload the next video on the same topic. Well, comments me if you don't catch me or trouble understanding my voice perfectly. So let's start this course. And today we will discuss about HTML tags, generic attributes. Some of the generic attributes मैंने यहाँ पर लिख के रखा है JPG में. आप लोगों को शायद यहाँ पर समझने में तकलीफ हो रही हो. इसको मैं Google के sheet पे इसको मैं कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अटरीब्यूट्स के अंदर क्या क्या शामिल है. अलाइन है जिसमें अलाइन करना, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी इसके बारे में, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन और सेंटर अलाइन, और हॉरिजॉन्टली अलाइन टैग्स. मैलिग्न है टॉप मिडल बॉटम. बीजी कलर है बैकग्राउंड कलर जिसे कहते हैं, और बैकग्राउंड है URL है बैकग्राउंड का. ID है यूजर डिफाइंड, क्लास यूजर डिफाइंड, विथ न्यूमेरिक वैल्यू, हाइट न्यूमेरिक वैल्यू, टाइटल यूजर डिफाइन. तो सारी चीज़ के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या क्या किस तरह से काम होते हैं. कुछ चीज़ें समझ में आ गई आपको अलाइन के बारे में, आपसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी, और भी मजीद हम इसको एलाबरेट करके आपको बताएंगे सारी चीज़ें. तो मैं अभी जाता हूँ sublime.txt में, जिस तरह से मैं सबलाइन में काम करता हूँ, और आप लोगों को चाहे तो कोई और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो आप. पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी वो आप जरा वापस रिपीट कर लेते. यहाँ पर हमने H1 के बारे में बात की थी, हेडिंग टेक्स्ट वन जिसमें लिखा था हमने, और टेक्स्ट अलाइन किया था इसको सेंटर में. और इसको मैं चालू करके भी आपको दिखा देता हूँ. दस ये कहाँ पर था फाइल हमारी, डी ड्राइव में हमने इस्तेमाल ट्यूटोरियल में रखा था टेस्ट के अंदर, और ये डिप टेक्स्ट के बारे में हमने नाम लिखा था इसका, ओपन विथ गूगल क्रोम. याद आया होगा आपको तो डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन ऑफ डीप टेक. ये एक पैराग्राफ लिखा था हमने, इसकी साइज कुछ बढ़ा के दिया था. क्या दिया था साइज हमने इसको, फॉन्ट दिया था इसको 30 पिक्सल. ओके, किस तरह से फॉन्ट चेंज करनी है, स्टाइलिंग हो रही है एचटीएमएल के अंदर, हमने स्टाइलिंग करनी है. एक बात मैं आपको बता दूँ, लेट यू नो कि स्टाइलिंग जो बेसिकली हम करते हैं वो CSS में करते हैं. तो ये भी जानकर आप लोगों को खुशी होगी कि हम ये HTML का कोर्स खत्म करने के बाद इंशाल्लाह ताला हम CSS का कोर्स भी करेंगे, फिर PHP का भी करेंगे. सारे कोर्सेज आपके सामने आने वाले. फिलहाल आप HTML का टेक्स्ट के बारे में जान ले, ताकि इसके टेक्स्ट के बारे में जानने के बाद हम इसकी स्टाइलिंग जानेंगे, फिर हमें इसके साथ CSS कैसे ऐड करना है, JavaScript कैसे ऐड करनी है, और जो बहुत ही ज़रूरी है कमर्शियल वेबसाइट के हवाले से, इसमें हमें PHP का काम करना है जो फ्रेमवर्क का काम होता है. तो वो सारी चीज़ डिटेल्स में हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप. फिलहाल तो मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, और नई तरह से हम दूसरा आज के टैग के बारे में, एट्रीब्यूट के बारे में बात करते. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं इसमें फिलहाल तो हम तो टैग के बारे में बात उसको ले लेते. जेनेरिक एट्रीब्यूट्स याद रखिएगा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा एंगल ब्रेकर्स जो पूरे होने चाहिए. यहाँ पर मेरा एंगल ब्रेकर्स में निकल गया था, इस वजह से ये एरर नजर आ रहा था, यहाँ पर ये रेड कलर में एरर आ रहा था. तो एंगल ब्रेकर्स पूरे होने चाहिए, टाइटल के हर टैग्स के एंगल ब्रेकर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर होने चाहिए, और लाजमी आपको क्लोज भी करना है जिस तरह से मैंने इसको टाइटल में क्लोज किया है. पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर आज का पहला टैग. पहले हम शुरू करेंगे हर चीज़ में डीप लगाकर, ताकि हमें काम करने में और स्टाइलिंग करने में आसानी हो जाए. एज यूजल हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देंगे, H1 दे देते, और इसको हम नाम भी दे देते जेनेरिक एट्रीब्यूट्स.
ये अपना पहला हो गया, पहला पड़ाव पार हो गया इसमें। देन हम इसमें कर रहे हैं तो सारे जो मैंने एट्रीब्यूट आपको दिखाया था इसमें हमने काम करना है आज। पैराग्राफ देख लेते आज में हम कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं, छोटा सा कुछ पैराग्राफ। दिस इज द पैराग्राफ दैट आई क्रिएटेड बोल्ड। ओके इतना सा। अभी हम इसको सेव करेंगे और इसका नाम देख ले देंगे। काम नाम दे देते हैं, इसमें जो इधर लिखा हुआ है वो हम कॉपी करके दे देंगे इसको। .html अभी हम इसको चला के देख लेते हैं। ओपन विथ गूगल क्रोम। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर जेनेरिक एट्रीब्यूट्स and this is the paragraph I created bold। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था वही चीज नजर आ रही है। फर्क क्या होना चाहिए इसमें, हम फर्क इसमें हम शामिल करेंगे तो फर्क नजर आएगा। पहला जो मैं टैग यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ये है बोल्ड टैग। तो इधर मैं कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर मैंने बोल्ड लिखा है, चाहे तो मैं किसी भी जगह पर कर सकता हूँ लेकिन मैं बोल्ड पे इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। ये है बी टैग, जिसे कहते हैं बी। तो यहाँ पर ये है कि बेसिकली बाय डिफॉल्ट बी टैग शुरू और एंड दोनों हो रहा है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि सबलाइन टेक्स्ट में आपने जैसे बी टैग एक एंगल ब्रैकेट का शुरू करके आपने बी डालना है और इसमें टैब बटन का इस्तेमाल करना है। टैब बटन कीबोर्ड में इस्तेमाल करोगे तो पूरा जो आपका ये टैग है स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग दोनों आ जाएंगे। तो आपको सिर्फ क्लोजिंग वाला हिस्सा कट करके लेके आपको इस तरह दे देना है, यानी ये बोल्ड इसके अंदर आ गया, सीधी बात है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो तो आपको समझ में आ जाए, इसलिए कर रहा हूँ मैं। इस बोल्ड को मैं कट करके निकाल देता हूँ यहाँ से, इसको इसके बीच में डाल देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये नज़र आ रहा है आपको बोल्ड। बात समझ में क्या डिफरेंट हुआ इसमें, इसमें दिस इज द पैराग्राफ दैट आई क्रिएटेड बोल्ड, इसमें बोल्ड का शामिल है। अब हमने यहाँ पर कुछ अपने स्टाइलिंग और स्टाइलिंग के हवाले से हम कुछ और भी कर सकते हैं इसमें। इस तरह से हमने फॉन्ट वगैरह बदला था, चेंज किया था, और इसको हमने लिखना है स्टाइल पर जाकर अलाइन टेक्स्ट अलाइन, या फिर हम अलाइन भी दे सकते हैं इसमें। टेक्स्ट अलाइन आ जाएगा इसमें राइट, इसको सेव कर दिया मैंने। अब इसको आप चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके तो ये राइट पे आ गया, और इसको हम दे देते हैं सेंटर पर। सेंटर ले आए, देन हम वापिस एक इसमें और एक पैराग्राफ इस्तेमाल कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर तीन पैराग्राफ से, और तीनों में मैंने यहाँ पर बोल्ड को बोल्ड किया हुआ है, इसको पहले सेव करके देख लेते हैं। तीन आ गए यहाँ पर, बट मैं चाहता हूँ इसको मैं सेंटर में ले आऊँ।
और इसको मैं लेफ्ट में ले आऊं। अभी रिफ्रेश करके देख रहे थे तो एक राइट में आया, एक सेंटर में आया और तीसरा वाला लेफ्ट में आ गया। एक चीज समझ में आ गई हमें कि यहाँ पर राइट सेंटर एंड लेफ्ट। अभी हमने ये बोल्ड हमने किया है, बोल्ड को हमने चेंज करना है, हर एक में हमें बोल्ड नहीं देना है। तो इसको हमने बोल्ड किया था, इसको बोल्ड रहने देते, यहाँ पर पैराग्राफ जो है इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं स्टाइलिंग में। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें देना है आई टैग। इसी तरह से मैं लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कट करके मैंने बीच में बिठा दिया इसको, इसको सेव कर दिया। अब आप देखें इसमें क्या चेंजिंग हो रही है, देख रहे हो आप, ये पैराग्राफ जो चेंज हो गया, पैराग्राफ जो है वो हो गया इटैलिक, फॉन्ट इसका इटैलिक आ गया। इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा ये कि किस तरह से बोल्ड करते हैं, किस तरह से इटैलिक करते हैं। और अंडरलाइन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, इसके बाद भी दोबारा दिखा देता हूँ इसको। तो हमने ये पैराग्राफ को यहाँ पर या यहाँ से लेकर दिस टेक्स्ट से लेकर पैराग्राफ तक हम इसको अंडरलाइन कर देते यू टैग। तो कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं हम, यहाँ पूरा ले लेते बोल्ड तक, जहाँ पर बोल्ड है वहाँ पूरा काट लेते हैं हम इसको। एक चीज याद रखना है कि अब जो स्पेस है कैडर के बाद, स्पेस समय हमें लेना है या स्पेस के बाद लेना है। तो मैं स्पेस के अलावा ले रहा हूँ यहाँ पर, और कट करके इसको अंडरलाइन टैग के अंदर मैंने डाल दिया इसको, और स्पेस बाहर रहेगा इसका। अगर स्पेस समेत ले लेंगे तो स्पेस भी थोड़ा सा नजर आएगा। ये आपकी डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना इसको अंडरलाइन को लेना चाहते हो। मैंने कैडेड तक लिया है इसको, और चाहे तो इसको मैं अंडरलाइन के साथ साथ इसको मैं इटैलिक भी कर सकता हूँ। ये इस तरह से होगा, यहाँ पर मुझे एक आई टैग दे देना है, और आई टैग देने के बाद इसको वापस मुझे कट करना है तो आई टेक के भी अंदर डाल देना है। जैसे मैंने इसको आई टेक के अंदर बिठाया, यू टेक आई टेक दोनों आ गए इसके अंदर में, तो इसको सेव कर दिया मैंने। और इसको मैंने अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए ये अंडरलाइन भी आ गई और इसमें इटैलिक भी हो गया है। अंडरलाइन इटैलिक दोनों एक ही साथ एक ही सेंटेंस में हो गया, और यहाँ पर बॉल भी नजर आ रही है। ये आ गए हमारे तीसरे टेक आज के दिन का। अभी हम इसमें और एक टैग के बारे में बात करेंगे। तो आज हम अब एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एट्रीब्यूट के हवाले से सारे टैग के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो दिस इज द है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें हम करेंगे स्ट्राइक टैग। तो स्ट्राइक टैग के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका टैग स्ट्राइक, ओके सो सेव करके देख लिया मैंने। तो स्ट्रिक टैग जो है, ये स्ट्रिक टैग से मुराद है कि इसके ऊपर ये क्रॉस लाइन आ जाएगी। तो दिस इज द पैराग्राफ आई क्रिएटेड बोल्ड, तो इसमें आप दिस इज द ये स्ट्रिक टैग से टैग के अंदर शामिल है। अभी हम यहाँ पर ये जो हमने एक पैराग्राफ लिया है, इसी को कॉपी करता हूँ मैं, एंड इसको मैं बल्कि इसके सारे टेक्स्ट निकाल देता हूँ, उससे जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट हमने लिए इसमें
बॉल को भी निकाल देता हूँ, इसको कॉपी करके बॉल ले लिया मैंने, इसके सारे को मैं सेंटर कर देता हूँ, इसको हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सारे सेंटर में आ गए, ये कुछ पैराग्राफ से जिसमें मैंने कोई भी स्टाइलिंग नहीं की। तो वेल हम अभी शुरू करने वाले और एक स्टाइलिंग फॉन्ट, मोनोस्पेस्ड फॉन्ट। तो मोनोस्पेस्ड में मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर बोल्ड के या दर्ट के पहले मैं कर लेता हूँ, या इस पैराग्राफ में कर लेता हूँ पहले, तो स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, आपको समझने में थोड़ी सी मतलब ये सबलाइन में समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो ये पैराग्राफ को हम ऑफिस कट करके इसमें बिठा देंगे, मैंने पैराग्राफ यहाँ पर बिठा दिया। अभी आप इसका फर्क देखो क्या आ रहा है, इसकी साइज हो गई छोटी, ये हो गया मोनोस्पेस्ड। जैसे हम डिग्री इस्तेमाल करते तो इस थोड़ा सा धुंधला भी हुआ है, और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये हो गया अलग किस्म का, ठीक है ना, हमारे मोनोस्पेस। देन हम और एक टैग में इस्तेमाल करते सब टैग है ये, इसी को पैराग्राफ को इस्तेमाल करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं, यहाँ इसको बिठा देते, देन सेव करते, दोबारा आप इसका फर्क देख लीजिए। तो ये थोड़ा सा डिग्री ऊपर आ गया सब टैग में, SUP सब, ओके। अभी ये जो ऊपर चला गया इसको हम नीचे करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम तीसरे वाले में हम ये टैग इस्तेमाल कर लेंगे, SUB, पहले SUP था, अभी SUB सब टैग, कट कर लिया, इसको अभी बीच में बिठा देते, सेव कर लिया, और इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए नीचे आ गया, पहले छोटा हुआ था, फिर बड़ा ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। इस तरह से हम कोई भी फॉन्ट को या टेक्स्ट को, स्पेशली न्यूमेरिक मतलब नंबर्स को ऊपर नीचे करके हम शो कर सकते हैं इस पर। अभी बहुत ही ज़रूरी एक टैग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बार दफा ऐसा होता है कि हमें कुछ पैराग्राफ लिखने हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाता हूँ, इसमें ये ले लेता हूँ आपके लिए आसानी होगी समझने में थोड़ी सी, और इसका टैग जो है वो मैं निकाल देता हूँ। अभी हम इसमें पहले तो कलर इस्तेमाल करेंगे, देन आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे दूसरे टैग के बारे में। कलर के बारे में तो उतना बताया था मैंने आपको, अभी मैं सीधा एक इसमें सादा सीधा कलर एक दे देता हूँ, जिससे कि इसमें दे देता हूँ मैं रेड, सॉरी। हमेशा एक बात ख्याल रखिएगा, हम RED रेड लिखेंगे, लेकिन इसमें इस पर पहला जो इसका हरफ है, जो फॉन्ट है, वो हम कैपिटल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मैं कैपिटल इस्तेमाल करता हूँ तो ये एरर दे देगा, ये सही नहीं होगा। राइट, अभी मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है ये बोर्ड है। अच्छा वेल, मैं और एक काम यहाँ पर करता हूँ, मैं आपको पहले इसमें मैं BR कर देता हूँ, ताकि हम थोड़ा सा स्पेस में आ जाइए, ताकि आपको समझने में ये जो अलग से टेक्स्ट है वो सब समझ में आसानी चाहिए। अच्छा क्रिएटेड बोर्ड में मैंने इसमें थोड़ा सा स्पेस नहीं रखा है, हो जाएगा। तो द क्रिएटेड बॉल, ये वाला जो ऊपर का है, ये वाला रेड कलर में नजर आ रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये आधा रेड में हो आधा ग्रीन में हो, लेकिन पैराग्राफ के साथ है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इसमें मुझे ये पी यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, दोबारा पी शुरू करना पड़ेगा, इसमें मुझे टेक्स्ट लाइन सेंटर
कलर सारी चीज वापस लिखनी पड़ेगी, उसमें कलर में मुझे ट्रेन करना पड़ेगा, तो मुझे आसानी हो जाए, मुझे डबल काम ना करना पड़े, इसी वजह से ये टैग है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, इसको कहते हैं स्पैन टैग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इज क्रिएटेड बोल्ड, इसको मैं कर देता हूँ स्पैन टैग के अंदर, स्पैन टैग स्पेन टैग। तो दैट आई क्रिएटेड बोल्ड को मैंने कट करके इससे बीच ले लिया, और यहाँ पर ऑलरेडी स्पेस है तो यहाँ स्पेस देने की जरूरत नहीं है, और मैंने स्पेन कर दिया। और स्पेन का कलर मैं अभी चेंज कर दूंगा, ये स्पेन का मैं फॉन्ट चेंज कर लूँ, साइज चेंज कर लूँ, और स्पेन में मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ, और मैं कलर दे देता हूँ यहाँ ग्रीन, तभी ग्रीन लिखना है हमने, जी को कैपिटल नहीं देना है, ये याद रखना है हमने। इसको मैंने क्लोज कर दिया, इधर भी क्लोज करना है, कुछ जगह भी क्लोज ना करने चलते हैं, लेकिन कर देना बेहतर होता है। मैंने इसको सेव कर दिया, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको रिप्लेस करके। देखिए दिस इज द पैराग्राफ दैट आई क्रिएटेड बोल्ड, दैट आई क्रिएटेड बोल्ड जो आ रहा है ग्रीन, और ये आ रहा है रेड कलर में। तो दोस्तों यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम कुछ बैकग्राउंड के बारे में, बॉर्डर के कलर कैसे देंगे, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और मजीद और भी टेक्स्ट के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आपको स्टाइलिंग भी आसानी हो जाए, और कुछ हद तक जो है आपने यहाँ पर भी टाइटल के बाद आपने कुछ टेक्स्ट डालने हैं, जिससे कुछ SEO का काम जो होता है, बहुत सारी चीज़ें मजीद डिस्कस के साथ हम डिटेल्स में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले ज़रूर ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं इसी टॉपिक पर नई कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को इन्फॉर्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी, अल्लाह हाफिज़।